नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री के साथ मिलकर के दोनों ने अनाउंसमेंट करी है आप लोगों के लिए, जो राहत पैकेज के रूप में है इस कोरोना वायरस नाम की महामारी से निपटने के लिए। किसानों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए है जिनको पेंशन्स वगैरह मिलती हैं, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, या फिर इस तरह की जो भी दिव्यांगता पेंशन हो गया, इन सभी के लिए अपडेट करी गई है। खास करके उन लोगों के लिए जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि जिनका ईपीएफ खाता है, जो लोग एम्प्लॉई हैं कहीं पर प्राइवेट कंपनीज में, तो उनके लिए ये अपडेट देखना जरूरी है। और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबर्स वगैरह हैं, काम करते हैं, तो उनको किस तरह की अपडेट्स मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इन सारी अपडेट्स का फायदा लेकर के कई लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आप लोगों को ये सारा लाभ लेने के लिए क्या करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में दूंगा इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर ट्रिबल चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्रिबल चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल सके। सबसे पहले जो लोग भी गरीब लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनको बीपीएल कार्ड धारक कहा जाता है, या फिर कह लीजिए गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए अपडेट करी गई है गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, कि जो भी वो अनाज लेते थे अपने राशन कार्ड पे, उस पे उनको 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा आने वाले 3 महीने के लिए। जो भी राहत पैकेज है, जो भी मैं अपडेट्स दूंगा, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए दिया गया है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयज के लिए हो, या फिर गरीबों के लिए हो, वो आने वाले 3 महीनों के लिए ही होगा, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, किसानों के लिए अगर हम बात करते हैं, तो किसानों के लिए 2000 की किस्त अप्रैल के, जो उनको पीएम किसान योजना के तहत मिलती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में उनके अकाउंट में गवर्नमेंट जमा कर देगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि हम देर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सारे किसान जो भी रजिस्टर्ड है पीएम किसान योजना के तहत, उनके अकाउंट में हम डायरेक्ट 2000 रुपये डाल दें। पीएम किसान और आप लोगों का जो कल्याण अन्न योजना है, उसमें आप लोगों को एक और अपडेट है कि 1 किलो की दाल, जो कि आप लोग अपनी मनपसंद वो ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग अरहर की भी ले सकते हैं, मूंग की भी ले सकते हैं, अगर वहां पे वैरायटीज हैं तो आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं दाल। नेक्स्ट अपडेट महिलाओं के लिए है कि अगर कोई भी जो आप लोगों की स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो भी महिलाएं लोन्स वगैरह लेती हैं, कोलेट्रल्स लोन जो होते हैं, ठीक है, तो वो लिमिट क्या थी कि अगर वो 10 लाख तक की लेती हैं तो उनको कोई किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है, यानी कि जिसे आप लोग गिरवी वगैरह कह सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज या फिर कोई भी ऐसी चीजें गिरवी रख करके लोन लेते हैं, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 10 लाख रुपए लिमिट थी उसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो इनके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, उनमें लगभग करोड़ों परिवार जुड़े हैं, जिससे कि इसका भी डायरेक्ट फायदा होगा। और अगर महिलाओं के पास जनधन योजना का अकाउंट है, तो उनके अकाउंट में हर महीने आने वाले 3 महीने तक, यानी कि 1500 रुपये का हर महिला के लिए बजट निकाल करके रखा गया है, जो जनधन योजना के तहत आ रही हैं और जिनके पास खाता है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट 500 रुपये हर महीने क्रेडिट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट उज्ज्वला योजना को लेकर के है, जो भी बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने तक गैस, यानी कि जो भी अगर आप लोग सिलेंडर रिफिल करना चाहती हैं, तो आप लोगों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक आप लोग बिल्कुल से एकदम से फ्री कर सकती हैं। उसके लिए आप लोगों को किसी भी तरह का अमाउंट नहीं देना होगा। ध्यान रखिएगा, केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये अपडेट करी गई है। अब बात कर लेते हैं फाइनली, जो लोग पेंशन लेते हैं, चाहे वो केंद्र से हो या फिर राज्य सरकार से हो, तो देखिए राज्य सरकार से कौन कौन सी पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये सारे पेंशन्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी पेंशन मिल रही है, आने वाले 3 महीने के लिए अतिरिक्त 1000 का पेंशन जोड़ करके दे दिया जाएगा। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेंशन है, ठीक है, कहीं पे 300 मिलता है, कहीं पे 500 मिलता है विधवा पेंशन, कहीं पे आप लोगों का 1000 रुपये भी मिलता है, ये अलग अलग पेंशन है, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो, या फिर वृद्धा हो, या फिर विधवा हो, या फिर गरीब का गरीबी रेखा के नीचे जो भी है, तो अलग अलग गवर्नमेंट जो भी है स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स के तहत पेंशन देती है। तो जो भी आप लोगों को पेंशन मिल रही हैं उनमें 1000 रुपये ऐड करके आप लोगों के अकाउंट में, जो भी अटैच्ड अकाउंट है
उनमें हर महीने क्रेडिट किया जाएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट ने यह भी कहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के वर्कर्स हैं, जैसे कि लेबर्स वगैरह हो गए, काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास लगभग 31,000 करोड़ रुपए तक का वेलफेयर फंड है, ठीक है, इनके लिए, खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग 3.5 करोड़ ऐसे वर्कर्स हैं, तो इन सभी का जो ख्याल रखेगी वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी गई है कि आप वेलफेयर फंड का यूज करें और जो भी वर्कर्स के लिए हो सके, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की उनको कोशिश करें। साथ में दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट है और इससे हम सभी खुश हैं, जो हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके हम सभी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आप लोगों के एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, जो साफ सफाई कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं अभी हमारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हर तरीके के, चाहे वार्ड में काम कर रहे हों, उनके लिए 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया गया है। अगर कोरोना वायरस से किसी भी कर्मचारी की डेथ होती है, किसी भी डॉक्टर्स की डेथ होती है, ठीक है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया गया है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ खाता खुलवा रखे हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज। देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 12% जो एम्प्लॉयर करता है कंट्रीब्यूशन आप लोगों की बेसिक सैलरी का, और 12% जो हमारे बेसिक सैलरी से हमारे जो भी सैलरी मिलती है उसमें से 12% कट करके जाता है, तो ये 24% कंट्रीब्यूशन आप लोगों के ईपीएफ खाते में, जिसमें से आप लोगों का 8.33 समथिंग आप लोगों का ईपीएस में जाता है, जो आप लोगों के रिटायरमेंट पे पेंशन्स क्रिएट करके देती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा आने वाले 3 महीने तक 24% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करने वाली है। साथ में ही आप लोगों को 75% तक का अमाउंट भी निकालने की हिदायत देती है, ठीक है। आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोगों को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप लोग अपने ईपीएफ खाते से 75% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो इसी में है, कंडीशंस भी हैं, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज 15,000 से कम की या फिर 15,000 रुपए तक की महीने की सैलरी है, उनके लिए ये केवल स्कीम है, या फिर कह लीजिए उनके लिए सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आपका पीएफ अकाउंट है, ठीक है, और जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं उनमें 100 से कम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 100 या फिर 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उन्हीं जगहों पे केवल ये काम करेगा, ठीक है, ये स्कीम या फिर ये हेल्प। अगर आप ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और ऑलरेडी आप लोगों का पीपीएफ है जहां पे 100 से कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लगभग 90% लोग गवर्नमेंट ने बताया है कि ऐसे हैं जो 15,000 या फिर उससे कम की कमाई कर रहे हैं, और उनके लिए ये राहत पैकेज लॉन्च करा गया है। अगर आप लोगों को ये ईपीएफ से लेकर के किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को बताइए। जाते जाते एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कहां पे रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, ये सभी के मन में क्वेश्चन आ सकता है और यही आप लोगों का कारण बनता है वीडियो को शेयर करने का कि आप लोगों को कहीं भी जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी आप लोगों को पैसा मिलेगा वो सारा गवर्नमेंट के पास आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे गवर्नमेंट के पास आप लोगों का डेटाबेस है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को देगी। जो भी लॉन्च करी गई हैं चीजें वो ऑलरेडी उनके पास डेटा है, ठीक है, जैसे कि जनधन योजना है तो उनको पता है कि कौन कौन से बैंक में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनका जनधन अकाउंट है। प्लस आप लोग अगर बीपीएल कार्ड धारक है तो गवर्नमेंट को पता है जहां से आप लोग राशन लेने जाएंगे वहां भी उनको पता है, उनको पता है कि आप लोगों को 5 किलो का अतिरिक्त अनाज देना है, 1 किलो की दाल देनी है, तो वो आप लोगों को देंगे। आप लोगों को वहां पे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है, जो भी आप लोगों को पैसे देने होंगे वो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों का अगर ईपीएफ एम्प्लॉई है, अगर आप लोगों का ईपीएफ खाता है तो ऑलरेडी उनको पता है कि किस कंपनी के पास कितने कितने लोग हैं, इसीलिए उन्होंने डेटा भी बताया कि लगभग 90% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको 15,000 या फिर उससे कम की सैलरी ऑन करते हैं, तो उनके पास पूरा डेटा है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो आप लोगों के अकाउंट में आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा जो भी एडिशनल है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाएं
जिनको ये चीजें नहीं पता है। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।